22 जनवरी का दिन प्रदेश में बहुत ही अहम है। इस दिन यूपी के अयोध्या में कई वर्षों से चल रहे विवादित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर को और भी यादगार और अहम बनाने के लिए योगी सरकार अयोध्या को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सैकड़ों हजारों लोग दिन रात मेहनत कर इसे बहुत ही यादगार बनाने में जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसे में राजस्थान की राजधानी जयपुर भी इस दिन को यादगार बनाने में जुट गया है। नगर निगम ग्रेटर भी जयपुर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी कर रहा है। विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड संगोष्ठियों एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए नगर निगम ग्रेटर ने भी तैयारियां शुरू कर दी। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने समिति अध्यक्षों, पार्षदों, निगम अधिकारियों, जोन एवं मुख्यालय उपायुक्तों, अधिशासी अभियंताओं, CSI SI की बैठक को लेकर 22 जनवरी तक मिशन मोड पर सफाई अभियान चलाकर रामोत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए। महापौर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला आने वाले हैं, इसलिए जयपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठनों, धर्म गुरुओं, व्यापार मंडलों, विकास समितियों का सहयोग भी लिया जाएगा। महापौर ने बताया कि रामलला के आने में अभी 21 दिन शेष हैं, इसलिए मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान चलाकर जयपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए न केवल मुख्य मार्गों बल्कि गली मोहल्लों की भी सफाई की जानी चाहिए। इसके लिए माइक्रो मैनेजमेंट का समन्वय से कार्य किया जाना चाहिए। 2 जनवरी को नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में लगी हुई सभी महापुरुषों की स्टैचू एवं आसपास की सफाई की गई। इसके साथ ही 3 जनवरी को सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के परिसर की सफाई भी की जाएगी। 4 जनवरी को नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में आने वाले सभी पार्कों की सफाई की जाएगी। इसके लिए भी जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। सभी प्रमुख चौराहों पर रंगोली बनाई जाएगी एवं दिए जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 21 दिनों में विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड के पाठ आयोजित किए जाएंगे। जगह जगह संगोष्ठियां भी आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रमुख धार्मिक स्थलों पर अस्थायी रोशनी की भी व्यवस्था की जाएगी। महापौर ने बताया कि रामोत्सव में श्रेष्ठ भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके साथ ही जहाँ 22 जनवरी को रामलला जी विराजेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, तो वो भी सब हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि नया साल भी आज 1 जनवरी से हमेशा बाद रामोत्सव के रूप में हम ये 30 दिन हम मनाएंगे। और इस रामोत्सव के रूप में हम शुरुआत करेंगे कल से कि सबसे पहले हमारे जितने भी जो महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं उन सब मूर्तियों की धुलाई, उनकी सफाई करके हमारे निगम की टीम, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हम जन सहभागिता से भी हम करेंगे कि वो भी अपनी सहभागिता देंगे। और उसके साथ ही हम इनका माल्यार्पण करके हमारे महापुरुषों को याद करेंगे कि उन्होंने इतना सुंदर शहर, इतना सुंदर देश के लिए उन्होंने योगदान दिया। और हम सब के लिए जो आज हम जी रहे हैं, आज हम इस खुले आसमान में सांस ले पा रहे हैं, अपने अधिकारों के साथ हम यहाँ खड़े हैं आज उनके बदौलत। और 3 जनवरी को हम जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन धार्मिक स्थलों की राम जी आने वाले हैं, तो हमारे सारे धार्मिक स्थलों की साफ़ सफाई, अंदर बाहर से साफ सफाई है। और उसके साथ में 5 जनवरी को जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थान हैं उसके ये स्वच्छता का साथ में बढ़ते हुए रामोत्सव के रूप में सबसे पहले हम पूरी सफाई करते हैं। और इस बार विशेष 5 लाख दीपक वो पूरे जयपुर शहर के अंदर हमारे हर मंदिर के अंदर दीपक पहुँचेंगे, हर चौराहे के ऊपर, हर किराए के ऊपर दीपक जगमगाएंगे। और हमारे जितने प्रमुख मंदिर हैं उन सब पर अस्थायी रोशनी करवाई जाएगी। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 22 जनवरी हमें पूरे देश को दिवाली के रूप में मनाना है, तो नगर निगम भी इस दिवाली को प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, प्रधानमंत्री जी के कहने पर निगम भी पूरा इस पर कार्य कर रहा है। और साथ में जयपुर की जनता से भी कहना चाहते हूँ कि आप भी जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप भी अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को आप दिवाली जैसा मनाइए।